वृंदावन से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान और लक्ष्मी जी एक साथ विराजमान हैं। इस मंदिर की क्या मान्यता है और यह मंदिर कब स्थापित हुआ था, इसके बारे में हम आप जानेंगे। और मेरे साथ में हैं इस समय राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि इस मंदिर के लक्ष्मी जी मंदिर बेलवन के सेवायत हैं और यहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय से पूजा करते हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि ये मंदिर जो है कब से बना है और यहाँ इस मंदिर की मान्यता क्या है। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी व भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी माता हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था, तो लक्ष्मी माता भी महाराज देखने आई थी, तो इनको प्रवेश नहीं मिला क्योंकि लक्ष्मी माता को अपने ऐश्वर्य का वैभव का घमंड था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐश्वर्य भाव को छोड़ो, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के महालक्ष्मी ने पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपणी परमेश्वरी जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक जंगल में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, इसकी सेवा कौन करेगा। बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे, तो बादशाह भाव में आके बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा, रे नारायण आरोकने के लिए माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ क्षणिये रहो, दो मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इसका लेख आता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। ये थे मेरे साथ में मंदिर के पुजारी राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने बताया कि ये जो मंदिर है तकरीबन 5,500 साल पुराना है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी विराजमान हैं। विराजमान होने की वजह ये है कि लक्ष्मी जी जब महाराज हो रहा था तो वृंदावन में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया कि उन्होंने अपना ये दिखाया कि मुझे इतना पैसा है या मैं लोग जिसके पास जाती हूँ वो धनवान हो जाता है। इसी बात से नाराज़ जो राधा रानी और गोपियाँ थीं, उन्होंने लक्ष्मी जी को घुसने नहीं दिया और यहाँ बेलवन में आके वो तपस्या करने लग गई। यहाँ जो लक्ष्मी माता जी हैं, आप देख सकते हैं कि जो मुद्रा है वो तपस्या कर रही हैं, उस मुद्रा में बैठी हुई हैं। यहाँ उनके बगल में है गोपाल, जो कि छोटे स्वरूप में है, और यही वजह है कि यहाँ पर केवल एक ऐसा मंदिर है बेलवन जहाँ पे इस मंदिर के अलावा कहीं भी ऐसा मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस मंदिर में लक्ष्मी जी जो तपस्या मुद्रा में बैठी हुई हैं, पूरे देश में कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं है। निर्मल राजपूत, राजस्थान पत्रिका, मथुरा।